आपने कई बार देखा होगा स्कूल टाइम पे, जब हम स्कूल में थे, आप अपनी पूरी पोटेंशियल से पढ़ाई कर रहे हो, हर एक चीज़ वो पढ़ रहे हो जो टीचर आपको बता रहे हैं, और हर एक वो सावधानी बरत रहे हो जो आपको पास होने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद भी पूरी मेहनत करने के बाद, अपनी पूरी पोटेंशियल पर वर्क करने के बाद, अपने पूरे हंगे तक पढ़ाई करने के बाद, आप पाते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ही आसानी से ओवरटेक कर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा नंबर लेते हैं। आपने दिल पर हाथ रखा और विदाउट एनी एजम्पशन, कोई एजम्पशन नहीं बनानी, खुद से सोचो, क्या कभी आपने सोचा कि वो बच्चे ऐसा क्यों कर पाए? उनने ऐसा क्या पढ़ लिया जो हमने नहीं पढ़ा, या उनने अपनी पढ़ाई के अंदर ऐसा क्या बदलाव किया जो हम टाइम पर बदलाव नहीं कर पाए? और हमारे कम नंबर आने का, या फिर अपने केस में फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इस वीडियो में आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबको नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए करते हैं शुरू इस क्लास को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, आप सभी बच्चों को पता होगा कि अपना एक कोर्स है मैथ का कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वो कोर्स किस ऐप पर है, परीक्षा ऐप उसका नाम है, उसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप को एक बार जाकर डाउनलोड करो, और अगर आपको HSSC हरियाणा से संबंधित, या वो हरियाणा पुलिस है, पटवारी है, ग्राम सचिव है, क्लर्क है, कोई भी एग्जाम है जो आपको देना है हरियाणा से संबंधित, अगर उसका मैथ पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैथ का कंप्लीट बैच आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, परीक्षा को, और जाके चेक करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, Mukesh40 कोड का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपने डेमो क्लासेस देखनी है तो उसके अंदर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अगर आपको और ज़्यादा मेरा पढ़ाने का तरीका देखना है तो इसी चैनल के ऊपर आपको मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी मैथमेटिक्स की, प्रैक्टिस सेट भी मैंने बहुत सारे कराए हैं, और भी चैप्टर मैंने कवर कराए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, बार बार चीज़ों को रिपीट करने के बाद, सब्जेक्ट को दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बाद, और एक एक क्वेश्चंस को कई कई बार सोल्व करने के बाद, हम मैथ की बात करते हैं या किसी भी और सब्जेक्ट की आप बात कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप फेल हो रहे हैं बार बार। तो देखो, फिलहाल क्या है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है हरियाणा में, और लॉकडाउन आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये भी पूरी की पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहली बात तो यह कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, अपने दिमाग को क्लियर रखो, किसी भी झूठी बात पर जाने की जरूरत नहीं है, आने वाले 2 या 3 महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपके बाद आपके पास कि आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो जो आप आज तक कवर नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। हम बात कर रहे थे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि स्कूल टाइम पर हम कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं जो मेहनत करते हैं, हम भी पूरी मेहनत करते हैं और वो भी पूरी मेहनत करते हैं, और वो हमसे बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं, जिनको टॉपर बोलते हो आप, क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा, सेकेंड आने वाला बच्चा आप देख पाते होगे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि भाई वो बच्चे टॉप आ रहे हैं और आप उनसे ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन फिर भी टॉप नहीं आ पा रहे? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई अपनी वीकनेस को पहचानना। उन बच्चों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो चुकी है, इस बात को समझना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये कि भाई ये यूजलेस वीडियो है, इस वीडियो के अंदर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एक इतनी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है जिससे आज मैं आपके सामने 2 से 3 एग्ज़ाम क्रैक करके बैठा हूँ, और यही रीज़न है कि मैं उस चीज़ को पहचान पाया। और मैं चाहता हूँ जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे बच्चे भी उस अपनी एबिलिटी को डेवलप करें और अपनी कमजोरी को पहचाने। याद रखना, एक बच्चा जो आपकी जितनी मेहनत करके टॉप पहुंचता है और आप उतनी मेहनत करके या तो फेल होते हो या फिर सिर्फ पास होते हो, आपके नंबर अच्छे नहीं आते। उस बच्चे के अंदर सिर्फ एक एबिलिटी है जो आपके अंदर नहीं है, वो है अपनी वीकनेस को पहचानना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है हमारा मैथ वीक है, हमें पता है हमारी साइंस वीक है, हमें पता है हमारा कंप्यूटर वीक है, इसलिए हमारे नंबर कम आते हैं, और यही रीज़न है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यही रीज़न है और यही हमारी वीकनेस है हमारे फेल होने की। लेकिन मैं आपको सच्ची में बताऊँ, आप अभी भी उस चीज़ में अवेयर नहीं है, अपनी वीकनेस को पहचानने में आप अब भी अवेयर नहीं है। आपको नहीं पता आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं। वो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो ये देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, और इस सब्जेक्ट को एक बार ढंग से पढ़ लेने से मेरा बेनिफिट हो जाएगा, जिसको हम अलग लैंग्वेज में स्मार्ट स्टडी भी बोलते हैं। अब इंसान का दिमाग किस तरीके से काम करता है, इस बात को समझो आप एक बार। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करने में हमें मज़ा आता है, इसलिए हम बार बार उसी को करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं एग्जाम्पल वहाँ से अच्छे तरीके से दे पाऊँगा आपको। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर आप एक चैप्टर देखते होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर लाभ हानि। ये चैप्टर कितने आसान है करने में। अगर मैं आज आपको कह दूं कि रेशियो प्रोपोर्शन आपने कंप्लीट करना है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब बैठ कर 2 से 3 घंटे पूरा रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ देंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है,
या मैं कहूँ आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है या फिर कहूँ आपसे कि सेट सबसेट पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ना ये अपने बस की बात नहीं है और यही अपनी वीकनेस है, यही अपनी वीकनेस है, ऐसे चैप्टर ऐसे क्वेश्चन। हालांकि देखो मैं सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, आगे आने वाले एग्जाम में NCERT आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हमें पहले से आती है अच्छे तरीके से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप जब भी मैथ पढ़ते हो सबसे पहले आप इन्हीं चैप्टर्स को कवर करते हो। तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या फिर हमें बहुत बढ़िया तरीके से आती है, हम उसको पहले करना पसंद करते हैं। पहला रीज़न कि हम किसी चीज़ को क्यों करते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है किसी चीज़ को करने के पीछे, लालच। एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न है यो कि हम किसी चीज़ को तब करते हैं जब उसके पीछे हमारा एक लालच होता है। लालच किस प्रकार का, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी लग जाओगे, क्या आप फ्री में काम करोगे, क्या आप तनख्वाह नहीं लोगे, एक बार ध्यान से सोच के देखना। इस पूरे प्रोसेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है, पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर सिर्फ पैसा है। आपने भविष्य में पैसे कमाने हैं इसलिए आप आज पढ़ रहे हो। तो दो रीज़न अपने पास हैं कि हम किसी चीज़ को क्यों करते हैं। पहला रीज़न, या तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हमें करने में मज़ा आता है। दूसरी चीज़, हम उसके पीछे एक लालच ढूंढते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम सब्जेक्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं, अपने सेफ जोन से बाहर निकल के हम वो चीज़ देखें जिसमें हम कमज़ोर हैं, जहाँ से हमारे नंबर कटते हैं, और हम उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ना स्टार्ट करें। ई मैं थर तेनू कहूँ, अगर तुमने क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं थर तेनू कहूँ कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उठ कर कहोगे कि हाँ चलो खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सुबह उठकर दौड़ मार के आनी है, तो आप शायद मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि दौड़ मारने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको फिजिकल पढ़ना है, फिर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वहाँ पर उसके पीछे क्या है, एक लालच है। तो इस पूरे प्रोसेस को शायद आप समझ पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिस चीज़ के पीछे आपका लालच है या फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उससे हटकर जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तब आप कामयाब होगे, तब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब मैंने आपको एक बात बताई कि भाई हम इन चीज़ों को हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट कम है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि मुश्किल है और उन्हीं के कारण हमारे नंबर कटते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये फाइनल वर्ड्स ही हैं कि आप उन चीज़ों को पढ़ो जिनमें पढ़ने में आपको तकलीफ होती है, जिनमें पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। और दूसरी बात रही लालच की, जब तक आप अपने दिमाग में ये रखोगे कि मेरे को नौकरी लगना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप उस लेवल पर जा ही नहीं पाओगे जिस लेवल पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ले जाने की। जिस दिन आप ये सोचोगे कि मेरे को इस सब्जेक्ट में या फिर इस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करनी है, तो फिर आप उस लेवल पर जाओगे जहाँ पर आपने पढ़ना है। 3 इडियट्स फिल्म देखो, अगर नहीं देखी तो एक बार देखना। 3 इडियट्स फिल्म मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। उसके अंदर यही बात कह रखी है कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, आप एक्सीलेंस के पीछे भागो। अगर आप एक्सीलेंट हो एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हो, तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे भागेगी। आप ये सोचोगे कि मैं नौकरी लग जाऊं, तो नौकरी नहीं लगोगे। ये सोचो कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई आप तक पूछ ले तो वो बंदा स्तब्ध रह जाए कि इस बंदे को इतनी नॉलेज है कैसे। मैं आपको उस लेवल पर ले जाने की बातें कर रहा हूं। अब आपके दिमाग में एक बात आओगी कि सर वीकनेस को कैसे पहचाने, आपने ठीक है बात बता दी कि हाँ अपने वीकनेस को पहचानो। अब सबसे मोटी बात है कि उस वीकनेस को पहचानेंगे कैसे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली बात, मैं 2-3-4 सब्जेक्टों के नाम लेता हूँ, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश। मैथ, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम बच्चों के डाउट इन्हीं सब्जेक्ट में आएंगे कि ये 4 सब्जेक्ट में से किसी का 1 वीक होगा, किसी के 2 वीक होंगे, किसी के 3 वीक होंगे, या किसी के 4 के 4 वीक होंगे। आसान सब्जेक्ट में कौन से आएंगे, हरियाणा जीके आ जाएगा, हिंदी आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, और भाई क्या जीके आ जाएगी, नॉर्मल वाली जीके, ठीक है, सेंटर जीके जिसको बोलते हैं। तो अब आप बताओ भाई, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो कैसे पहचानोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना चाहिए? तो याद रखो, इसका सिर्फ और सीधा पता लगा कि एक है, एक तो आप खुद अपने दिमाग से पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है। आपने 1-2 एग्जाम अगर दिए भी हैं पीछे, तो आपको पता होगा कि हाँ आपकी वीकनेस किस चीज़ में है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा या आपको नहीं आता वो, या फिर आपको मुश्किल लगता है। दूसरी रीज़न, अगर आपने ज़्यादा एग्जाम नहीं दिया, एक्सपीरियंस नहीं है, आगे आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हो, तो अभी से इस चीज़ फोकस करना कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर, पिछले लगभग 10 साल के
पिछले लगभग 10 साल का एग्जाम उठा कर देखो और ये देखो कि उन एग्जाम में किन किन चीज़ों के बारे में बातें करी गई हैं, और उस एग्जाम को एक बार पूरा पढ़ के देखो, एक बार एक एक चीज़ को समझ के देखो। आपको पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको ना अड़कस फील हो ना पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में दिक्कत फील हो, तो वहाँ पर आप समझ जाओ कि भाई हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस सब्जेक्ट को फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये सारी बातें थी भाई जो आपको बतानी थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है जो मैंने आपको बताया है, आपके जरूर काम आएगा। अगर जो बच्चा अब तक वीडियो में रुका हुआ है उसके जरूर ये चीज़ काम आने वाली है। तो अगर HSSC के बारे में आपको कोई भी नॉलेज लेनी है, या फिर आप HSSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो HSSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पर मैथ्स की वीडियो, हिंदी की वीडियो, और भाई हरियाणा जीके की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी हैं, और हरियाणा जीके तो हमने लगभग कंप्लीट ही करा दिया है, और मैथ भी साथ साथ में चल रहा है। और बेल आइकन को दबाना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, और जो भी बच्चा हरियाणा की तैयारी करता है उसके पास शेयर जरूर करना। तो अगली वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।